तो हमने कुछ बुनियादी ऑपरेटर्स देखे पाइथन के। इसके अलावा पाइथन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जेड में असाइन कर रहा हूँ। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी जेड की? फाइनल वैल्यू जेड की 13 आएगी। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13। तो इसी तरीके से मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x प्लस y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो z की वैल्यू अब क्या हो गई? जो पुरानी वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाएगी। याद रखिएगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होती है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई, यहाँ पे नई वैल्यू आ जाएगी z के अंदर। तो z की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो 2 to the 4 प्लस 3 7, 7 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। एक ऑपरेटर होता है, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर था जो मैंने आपसे तذکرہ किया कि आप किसी वेरिएबल की एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू में मैं 1 का इजाफा करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास x प्लस इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, x में 1 का इजाफा हो गया। मैं चाहूँ तो कंपाउंड असाइनमेंट को प्लस के अलावा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हर जगह पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x को डबल करना चाह रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू डबल हो गई। अगर चेक करें हम x की वैल्यू क्या है, तो डबल हो गई। x में से 2 माइनस करना चाह रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 4 हो गई। x को 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, 2.0।